नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शाहपुरा शहर के कई पुराने मोहल्ले परकोटे में मकान और भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में जर्जर पड़े हैं, जिसमें कभी भी भारी हादसा होने की संभावना है। इसका उदाहरण विगत दिनों भारी बरसात में दीवानों के मोहल्ले में एक मकान गिरकर धराशायी हो गया, जिसमें एक गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा। परंतु फिर भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा केवल नोटिस देकर कार्रवाई के नाम पर इतिश्री कर ली गई। इसके अलावा राजपूतों के मोहल्ले में भी एक मकान बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका मलबा आम रास्ते में गिर गया और बाधा उत्पन्न कर रहा है। वर्तमान में शाहपुरा परिक्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और आए दिन मकानों से पानी गिरने और पानी भरने के लिए चारों तरफ घटनाएं देखने को मिल रही है। इन सब के बावजूद नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर के पुराने मोहल्ले में पड़े हुए जर्जर और क्षतिग्रस्त मकानों की सुध नहीं ली जा रही और खानापूर्ति के नाम पर मकान मालिकों को नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती है, जो कि कहीं ना कहीं नगरपालिका प्रशासन के क्रियाकलाप को लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। जब इस संबंध में नगरपालिका ईओ ममता चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो मकान क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हैं उनके मकान मालिकों को नोटिस दिया गया है और जल्द ही कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वह तारीख कौन सी और मुहूर्त कब होगा जब नगरपालिका ऐसे क्षतिग्रस्त पड़े मकानों पर कार्रवाई करेगी, या कोई बड़ी घटना का नगरपालिका प्रशासन इंतजार कर रहा है जिससे कोई जानमाल का भारी नुकसान हो। जब आमजन से इस संबंध में बात की गई तो आमजन का कहना है कि नगर परिषद के हालात ग्राम पंचायत से भी बदतर हो गए हैं। सिर्फ नोटिस दिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। नोटिस देकर नगर पालिका लंबी नींद सो जाती है। नोटिस देना नगर परिषद का एक स्टेटस सिंबल बन गया। नोटिस से आगे बढ़ ही नहीं पाती नगर परिषद। इसका ये सवाल है कि कुछ इमारतें बारिश के मौसम में जर्जर हैं, गिरने की अवस्था में है। एक दीवानों के मोहल्ले में भी इमारत गिर गई जिसका मलबा भी अभी तक नहीं उठाया गया। इसके अलावा राजपूतों के मोहल्ले के अंदर भी एक इमारत गिर गई जिसका मलबा भी नहीं उठाया गया। और मलबा उठा जब पालिका के कर्मचारी गए तो उन्होंने वहाँ के स्थानीय निवासियों को ये कहा कि मलबा उठाने का काम हमारा नहीं है, मजदूर करेंगे, हम मरने के लिए तोड़ेंगे। ये सवाल था। और आम जनता ये कहती है कि नगर पालिका सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति करती है, नोटिस के आगे ये नगर पालिका बढ़ नहीं पाती है। ऐसा नहीं है, दीवानों के मॉडल में जो जर्जर हवेली गिरी है उसका भी नगर पालिका ने मकान मालिक को नोटिस देकर उसने मालिक ने अपने लेवल पर मलबा उठवाया है। नाली साफ करने के लिए आज भी नगर पालिका के कर्मचारी गए हैं और कंटिन्यू साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा करवाई जा रही है। दूसरा एक और जर्जर हवेली गिरने की अवस्था में है, उसमें भी जैसे कोर्ट स्टे था उसमें सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है, लास्ट स्टेज पर है। अतिशीघ्र ही उसमें भी अपन अतिक्रमण हटाने की और वो ध्वस्त हिस्सा है उसको गिराने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक और भवन गिरने की स्थिति में था, उसको भी नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ध्वस्त किया गया है और उसके मलबे को भी साइड में हटाकर रखा गया है। वहाँ पर अप्रोच के लिए रास्ता प्रॉपर नहीं है, जिसमें संसाधन नहीं जा सकते, इस वजह से वो मलबा नहीं उठ पाया है। बाकी आवागमन हमने प्रॉपर करवा दिया है, वहाँ पर ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि जिससे आमजन को। एक और हवेली है बजाजों के मोहल्ले में, बजाज जी की, वो भी गिरने की अवस्था में, बहुत जर्जर है और बहुत पुरानी हवेली, 4 मंजिल की। और इसके अलावा